अगर मेरे सामने दो विकल्प हैं और दोनों ही मुझे बराबर स्वीकार हैं, पहला विकल्प ये कि मैं अविवाहित रहकर जीवन भर सिर्फ सेवा करूं, और दूसरा विकल्प कि विवाह करूं और अपने परिवार के पालन पोषण के साथ जितना हो पाए सेवा करूं, तो मेरे मोक्ष प्राप्ति में क्या इन दोनों रास्तों में कोई महत्व है कि मैं कौन सा रास्ता चुनता हूं? भाई, मैं हमेशा कहता हूँ, इस प्रश्न का चॉइस तुम्हारा, ब्लेसिंग हमारा। ठीक है ना? तो मगर तुम्हारा चॉइस दो है, ये नहीं है। कुछ लोग विवाहित होके भी दुखी रहते हैं, कुछ लोग अकेले रह के भी दुखी रहते हैं, कुछ लोग विवाहित होकर के भी प्रसन्न रहते हैं, अकेले रह के भी कुछ लोग प्रसन्न रहते हैं। इस कैटेगरी में तुम आ जाओ। क्या? जो प्रसन्न रहते हैं वो ही तुम्हारे पास चॉइस है, बाकी तो जैसे भी तुम चाहो वैसे करो। तो ज्यादा सेवा करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा उस परिस्थिति में प्रसन्न रहना। हाँ, प्रसन्न रहना है। और ऐसा नहीं महसूस हो तो शादी करने के बाद ऐसा नहीं लगे कि अरे मैंने कहाँ का बोझ अपने सिर पर उठा लिया। और अकेले रह के भी कुछ लोग पछताते थे, अरे अरे मैंने तो ऐसे जिंदगी कमा लिया, कोई साथी संगाती होता तो कैसे होता, अच्छा होता। ये दूर की पहाड़ बहुत सुंदर है करने की, वो कहानी सुना है ना ऐसे कहावत, इस तरह से नहीं जीना। तुम्हें पक्का लगे कि मुझे अकेले पूरा मैं सब प्रसन्न हो, खुश हो तो रहो, और तुमको लगे अरे मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा, मुझे चाहिए कोई साथी संगाती, फिर शादी कर लो और चुन के करना ढंग के।